बेहतरीन है। इस टाइम यहाँ पर मौजा यूबू काउंसिल को और मोहल्ला कोयलीपुई में इस टाइम में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज रात को के जिलजिले की वजह से एक हमारे गांव के एक बंदा जिसका नाम तवार है उसका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उससे इतना बड़ा पत्थर गिरा है, आप देख सकते हैं। अभी लोग यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र यह है कि रात को घर वाले टेंट में थे जिसकी वजह से इंसानी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनकी काफ़ी सारी मवेशी और इनके भेड़ बकरियाँ वगैरह थे वो मुकम्मल तौर पर सब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब मर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं जो घर के अंदर इनका तमाम सामान, अभी ये बिल्कुल इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इनके पास ना खाने पीने की कोई चीज़ रह चुकी है और कुछ ना बिस्तर, कुछ भी नहीं रहा है। बस टेंट में जाके रहने की वजह से इनके घर में तकरीबन 11 अफराद रहते हैं और उनकी जानें बच चुकी हैं। तो मैं तमाम मुतलका जो एन जी ओज हैं, सिविल इंतज़ामिया है, जी बी गवर्नमेंट है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी इमदाद करें। और इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ पर इस साइड पर भी घर हैं। बस अल्लाह का शुक्र ये है कि ये घर यहाँ पर बच चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, आगे भी घर हैं। यहाँ पर 5-6 घराने आबाद थे इस एरिए में, ऊपर से पत्थर आने की वजह से तमाम जितने दरख्त वगैरह सब को ख़त्म करके इतना बड़ा पत्थर बिल्कुल छत के ऊपर आकर लगा और ऊपर साइड अपर साइड में इनका मवेशी खाना था। आपको मवेशी खाना भी दिखाते हैं, आप वाशरूम था देख सकते हैं, ये वाशरूम का दरवाज़ा है और ये यहाँ पर यहाँ पर इनका मवेशी खाना था। तो मवेशी खाना भी गिर कर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 5 इनकी बकरियाँ थी और एक गाय जो कि मतलब ख़त्म हो चुकी है, अभी वो नहीं है। उनकी जो मुर्गियाँ वगैरह थी वो मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि इनका जितना हो सके इनकी इमदाद करें, क्योंकि काफ़ी परेशान है पूरे घर वाले। तो आपसे यही गुजारिश है कि और इससे पहले भी यहाँ पर ये एरिया डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस था, जिसकी वजह से ये लोग टेंटों में जाकर रहे और इसी बंदे की जिसका ये घर है उसकी पोती भी टेंट में रहकर सर्दी की वजह से उनका जो है ना इंतकाल हो गया है। तो मैं गवर्नमेंट से सिविल इंतजामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि वो इनकी इनके लिए इमदाद करें, इनको कहीं ना कहीं जगह पर मुंतकिल करें या इनको कोई ऐसी सहूलियत फराहम करें जिनसे ये इन सर्दी के मौसम में टेंट में रहना भी गुंजाइश नहीं है। आपसे ये गुजारिश है कि इनकी जितनी हो सके आप